विजय सर, आप बताइए कि कैसा ये कोविड के टाइम पे सेवा करने में आपको लगा? बहुत अच्छा लगता है, दिल से दुआएं मिलती हैं, जितनी भी हो सके उतनी और ज़्यादा हेल्प करना चाहिए। हम शुरू से जुड़े हुए हैं, मैंने खुद अपने गाड़ी में डाल के मैं कोलीवाड़ा तक मैंने बांटा जाके, हम लोग शुरू से बांट रहे हैं और जब तक जान है तब तक बांटते रहेंगे। हम चाहते हैं कल्याण जैसे और भी लोग खड़े हो जाए गरीबों के लिए। अभी जिस तरह से गवर्नमेंट का मैसेज भी आया है कि देश में महाराष्ट्र बहुत अच्छे से लोगों को मैनेज कर पा रहा है, केंद्र सरकार भी बोलती है, तो कितना मेहनत किया है इसके पीछे, क्योंकि आप जुड़े हुए हैं? मैंने अभी तक किसी सरकार को तो करते हुए मैंने खुद अपनी आंखों से नहीं देखा है अभी तक। जो भी लोग कर रहे हैं, हम लोग अपनी मेहनत से सब लोग करते रहे। कोई हमारे पास कोई ऑफिसर नहीं आता है, कोई मिनिस्टर नहीं आता हमारे पास कि ये गरीबों को बांटे। हम लोगों ने जो थोड़ा थोड़ा इकट्ठा किया था उससे हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं। कल्याण जी से कैसे जुड़े हैं? कल्याण जी तो हमारा बच्चा है, बचपन से जुड़ा हुआ है हमारे साथ। और आगे किस तरह से हेल्प करेंगे अगर ऐसा ही माहौल रहा तो? आगे हेल्प करते रहेंगे और कोशिश यही है, हम तो ज़्यादातर कोशिश करते हैं, अगर कोई जुड़ना चाहे तो कल्याण जी को फॉलो करें, उसको कॉन्टैक्ट करें, जो गरीबों की हेल्प कर रहा है उसकी हेल्प करें। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। मैडम, आपका नाम पहले बताइए और कैसे जुड़ी हैं आप इस संस्था से, कल्याण जी के साथ कैसे जुड़ी, किस तरह से आप हेल्प करती हैं? जी, मेरा नाम हेमा शर्मा है और मैं कलाकार हूँ, और कल्याण जी से मेरी मुलाकात हुई सेट पर। मैंने हाल ही में उनके साथ एक फिल्म की है जिसका नाम है पाताल पानी, और वो अगस्त में आई थिंक रिलीज होने वाली है जी। और उनके साथ मेरी फिल्म का अनुभव भी बहुत अच्छा रहा। फिर वहीं पे मुझे पता चला कि ये सोशल जो लाइफ होती है, वो सोशल जो समाज सेविका जिसको बोलते हैं, समाज सेवा जिसको बोलते हैं, मैं तो उसको प्यार के रूप में कन्वर्ट करना चाहती हूँ कि इसको मदद के रूप में नहीं देना चाहती। और आज के टाइम पे जो कोरोना टाइम चल रहा है, इस टाइम अगर आप किसी को मदद के रूप में अगर प्यार दे सकते हैं तो प्लीज़ 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 दीजिए। और इनसे मिलके मुझे पता चला कि ये बेहतरीन एक इंसान तो है ही, लेकिन साथ ही साथ बहुत अच्छे एक्टर भी हैं, और साथ ही साथ इनके जो अंदर एक जुनून है कुछ अच्छा करने का, गरीबों की मदद करने का, जिनको लोग देखते नहीं हैं, फुटपाथ पे जो लोग रहते हैं उनका कोई भी इंसान भूखा ना रहे, इनका सबसे बड़ा उद्देश्य जो है कल्याण जी का वो ये है कि जो भी मुंबई शहर में पता नहीं ना जाने कितने लोग भूखे सो जाते हैं, हमें पता भी नहीं होता, हम तो पेट भर के सो जाते हैं एसीयू में, लेकिन ऐसे ना जाने कितने लोग हैं, कितनी औरतें हैं, कितने बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं जो सो जाते हैं भूखे पेट, खाली पेट। तो ये इनका उद्देश्य है कि कम से कम लोग जो हैं भूखे पेट सोए, खाली पेट सोए। तो हमें जी, कल्याण के साथ आपने फिल्म की है, तो उस फिल्म के बारे में कुछ बताइए, क्या है फिल्म जो आप? जी, फिल्म का नाम जैसे मैंने पहले भी बताया, फिल्म का नाम है पाताल पानी। इस फिल्म में मुख्य किरदार निभा रहे हैं करणवीर वोरा, जो टेलीविजन इंडस्ट्री के बादशाह हैं, फिर है जरीन खान, फिर है राजेश शर्मा, उपासना सिंह, अली असगर, बहुत सारे वर्सेटाइल एक्टर हैं इसमें। सो मैं और कल्याण जी भी इस फिल्म का एक हिस्सा है, और उससे पहले भी मैंने काफ़ी फिल्में की हैं। मेरी लास्ट फिल्म थी दबंग 3, उसमें मैं एक रिपोर्टर का कैरेक्टर कर चुकी हूँ, जो अभी आप मेरे साथ कर रहे हैं। और उसके बाद मैंने अभी एक वेब सीरीज भी किया जिसका नाम है इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा, में रणदीप हुड्डा है। तो मैं ये यहाँ पर अपने बारे में कि मैं कलाकारों को बात ना करते हुए यहाँ पर इंसानियत की बात करते हैं, बड़ी अच्छी, बड़ा अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा। और मेरी बचपन से ख्वाहिश थी कि मैं इंसानियत के नाम कुछ करूं, इंसानियत के नाते कुछ करूं, ये मेरी पैदाइशी फितरत है, मेरा नेचर है, मुझे प्यार देना, लोगों को मदद करना, मैं इसको नहीं बोल सकती क्योंकि ये शब्द मुझे पसंद नहीं है। तो लकीली मैं बहुत, आई एम सो फॉर्चुनेट कि मेरी मुलाकात इनसे सेट पे हुई, और अभी हमारे बहुत अच्छे ताल्लुक भी हो गए, रिश्ते बड़ा अच्छा बन गया मेरा कल्याण जी से, और उन्होंने मुझे कुछ इसमें एक पोस्ट भी दे दी है। तो मैंने इनको बोला है कि जितना मैं कर सकती हूँ मैं ज़रूर पोस्ट को यूटिलाइज़ करूँगी, जितनी भी इंसानियत होने के नाते अच्छा काम कर सकती हूँ। यहाँ पर बात ये नहीं है कि आप कितना पैसा खर्च करते हैं, किस तरीके से लोगों की मदद करते हैं, मैटर ये करता है कि आप कितने दिल से, कितनी शिद्दत के साथ आप लोगों को प्यार देते हैं, उनके दुख को अपने समझते हैं। मुझे कल्याण जी से अभी जुड़ी हैं, इससे पहले आप सेवा करती थी कि अभी से दिल किया है कि नहीं अभी सेवा? नहीं नहीं, मेरी भाव देखिए, सेवा जो होती है एक तो मन के भाव भी होते हैं, जैसा जिसका मन होता है वैसे कहीं ना कहीं वो इंसान छोटी मोटी चीज़ें कर रहा होता है। तो पैदाइशी जैसे मैंने बोला कि मेरे भाव वैसे ही हैं, मेरे घर वालों का कहना है कि इसको हम 5 रुपये देते हैं तो 3 रुपये किसी और को दे के आ जाती है, 2 रुपये अपने लिए बचा के रखती है। तो बचपन से मैंने चलते फिरते ऐसा कुछ ना कुछ किया, लेकिन जिसको बोलते हैं लीगली तौर पर, जिसको बोलते हैं किसी 10 लोगों के साथ जुड़ना,
जिसको बोलते हैं 50 लोगों की, लोगों को प्यार देना, लोगों की मुसीबतों में उनका एक उनको एक सहारा देना। तो इस तरीके से मेरा पहला स्टेप है और मैं इसको लेकर बहुत एक्साइटेड भी हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं करना चाहती थी और फाइनली मुझे एक अच्छे इंसान के साथ जुड़ने का और मिलने का मौका भी मिला। तो ये टाइम पे स्पेशली आई एम वेरी वेरी ब्लेस्ड कि मुझे जो मैं करना चाहती थी काफ़ी सालों से, काफ़ी मतलब इनफैक्ट बचपन से, फ्रॉम माई चाइल्डहुड मैं अभी कर रही हूँ और इस चीज़ को मैं बहुत अच्छे से निभाऊंगी, करूंगी, क्योंकि ये किसी का थोपा हुआ डिसीजन नहीं है, ये मेरे दिल की भाव है, ये मेरे खुद के हेमा शर्मा की एक जो फीलिंग्स होती है वो ये है। तो डीपी के माध्यम से क्या मैसेज देंगे किसके माध्यम से? दादा साहब फाल्के के माध्यम। ये तो क्या कहने, देखिए मैं खुद जैसे मैंने बोला मेरे इंट्रोडक्शन में कलाकार हूँ, कुछ 3-4 फिल्मों में काम कर चुकी हूँ, आगे और भी फिल्में आ रही हैं, और ये जो है अपने दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड, इनका तो नाम ही काफ़ी है जिन्होंने इस नगरी को शुरू किया, ना जाने कितने लोगों को नाम दिया, समझे, मशहूर किया। तो भाई मेरा कहना सिर्फ ये है कि आप काम कुछ भी करें, चाहे आपकी छोटी दुकान क्यों ना हो, अगर आप किसी को 1 रुपये की मदद कर सकते हैं तो प्लीज़ इस वक्त तो ज़रूर कीजिएगा, जब समय अच्छा होगा तो बेशक कंजूस बन जाइएगा, लेकिन इस वक्त थोड़ा दिल बड़ा कीजिए। थैंक यू।